अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ऐसा फैसल यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं अपने तमाम बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऐसा फैसल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपके पास हमारी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ पहुंचता रहे। प्यारी बहनों और भाइयों, जब रात को मियां बीवी सोबत करें तो सुबह को नमाज फजर से पहले पहले और अगर दिन में ये अमल हो तो अगली नमाज से पहले पहले मर्द और औरत दोनों को गुसल करना ज़रूरी है। इस गुसल को गुसल जनाबत और गुसल ना करने तक नापाकी की हालत में रहने को हालत जनाबत या जुम्बी होना कहते हैं। गुसल जनाबत में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मर्द और औरत दोनों ही अपनी जिंसी अज़ा की सफाई में एहतियात से काम लें। मर्द अपने अज़ा को अच्छी तरह धोए, कहीं ऐसा ना हो कि खाल में मनी जमी हुई रह जाए, और इसी तरह औरत अपनी शर्मगाह की अच्छी तरह सफाई कर ले। गुसल से पहले पेशाब कर लेना बेहतर है। नापाकी वाले अज़ा को धोने के बाद वजू कर लें, फिर तमाम बदन पर पानी डालकर हाथों से अच्छी तरह मल लें ताकि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे, और बालों की जड़ों तक पानी अच्छी तरह बहाए। गुसल में तीन फ़र्ज हैं। नंबर एक, कुली करना। नंबर दो, नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। नंबर तीन, पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर भी हिस्सा खुश्क ना रहे, और ये तीनों अमल तीन तीन बार करना सुन्नत है। सोते वक्त एहतलाम हो जाना या जागने की हालत में बगैर सोबत के अंजाल हो जाए, या औरत की फर्ज में मर्द की शर्मगाह दाखिल हो जाए और दोनों का अंजाल ना हो, इन तमाम सूरतों में भी मर्द और औरत गुसल करना फ़र्ज हो जाता है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि तमाम देखने और सुनने वालों को पसंद आई होगी। आखिर में मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारी आज की इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुस्तकबिल में आने वाली तमाम नई वीडियोस को देखने के लिए ऐसा फैसल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।